क्या हाल चाल है दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। साथ में है नैना, तेजू और चांदनी। हाय हाय। और आज हम विद फैमिली जा रहे हैं, रावण को जलाया जाएगा आज, तो हम सब दशहरा देखने जा रहे हैं। आज दसवीं है, तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजा आएगा। ठीक है, वीडियो पे एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में दशहरा कैसे मनाया जाता है, ठीक है, और रावण को कैसे जलाया जाता है। बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, और दोस्तों हम आ चुके हैं जहां रावण दहन होगा। ये देख रहे हो दोस्तों आप, तीन प्रतिमाएं हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। ये तीनों प्रतिमाएं आज जलाई जाएंगी। ये बुराई पे अच्छाई का की जीत का प्रतीक है दोस्तों। उसी के उपलक्ष में ये दसवीं दशहरा मनाया जाता है दोस्तों। रावण एक बुरा आदमी था और उन्होंने माता सीता का हरण किया था और उसी का वध करके श्री रामचंद्र जी ने अपनी अर्धांगनी माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़वाया था दोस्तों। उसी के उपलक्ष में ये दशहरा मनाया जाता है। आज ही के दिन रावण को भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा था दोस्तों, या वध किया था दोस्तों, ऐसा भी बोल सकते हो। और ये रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये तीनों के यहाँ पुतले लगाए गए हैं दोस्तों। और ये सदर बाजार की रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था। चांदनी, तेजू, नैना और साथ में उनकी मम्मा है। हम विद फैमिली यहाँ रावण दहन देखने आए हैं। बहुत पब्लिक आई हुई है, देखिए। ये सदर बाजार का आज़ाद मार्केट है जहाँ ये रावण दहन का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। और यहाँ बहुत पब्लिक आई हुई है रावण दहन देखने के लिए। आप खुद देखिए कितनी जनता आई हुई है यहाँ दोस्तों। और सामने आपको रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दिख रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ आसपास के सब लोग आते हैं रावण दहन देखने के लिए। और ये सामने देखो एक मंदिर है, ये सनातनी मंदिर है दोस्तों। और चांदनी, तेजू और उसकी मम्मा कुछ बात करते हुए, और ये देखिए तेजू, नैना, चांदनी ने हेलो बोला दोस्तों। आप भी कमेंट्स में हेलो लिख के भेजें और आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो रावण था उसकी सिर्फ एक गलती के कारण और उसके घमंड के कारण उसका पूरे वंश का कुल का नाश हो गया। सिर्फ विभीषण जी बचे थे, बाकी सारे राक्षस भगवान श्री रामचंद्र जी और उनकी सेना ने उनका वध कर दिया था दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अब रावण जलने का टाइम हो गया है दोस्तों। अब देखिए आप, रावण को जलाने के लिए जो मुख्य अतिथि हैं वो गए हैं और यहाँ जनता भी बहुत है। आप देखिए सब चारों तरफ जनता बहुत है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों कितनी जनता है यहाँ। बहुत भीड़ भर चुकी है, सब रावण दहन देखने के लिए आए। छोटे बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे। और ये सामने रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये देखिए आप कितनी जनता है। ये आसपास के सब लोग यहाँ रावण देखने आते हैं। और ये सदर बाजार का आज़ाद मार्केट है दोस्तों, बड़ा मार्केट है। और यहाँ आप देखो व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। और ये रावण दहन का प्रोग्राम होने के साथ ही यहाँ रावण जलाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और आप देखिए कितनी जनता आई हुई है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें, ऐसी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। हमने आपको दिल्ली के सदर बाजार का रावण दहन का सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए यह हर साल यहाँ रावण दहन होता है दोस्तों। पिछली बार भी मैंने आपको वीडियो डाली थी, लेकिन इस बार की वीडियो कुछ ख़ास है। देखिए आप कितने जनता आई हुई है दोस्तों। यहाँ देखिए आप
सब रावण दहन देखने के लिए आए हैं दोस्तों। और ये देखिए रावण को जला दिया गया है दोस्तों, उनका दहन शुरू हो गया है। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और वीडियो में बने रहें। और ये स्टार्ट होता है प्रोग्राम। आप वीडियो में देख सकते हो रावण पूरा जल चुका है दोस्तों। और देखो कितनी पब्लिक आई हुई है, सब अपने अपने फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। सामने चांदनी तेजू नैना है और उसकी मम्मा है। और ये देखिए अब सब वीडियो बना रहे हैं रावण दहन का। और ये बम पटाखे अभी भी फूट रहे हैं दोस्तों। और जय सिया राम के नारे लग रहे हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं दोस्तों, सब बड़ी खुशी मना रहे हैं रावण जलने के उपलक्ष में। तो आपको दिख रहा होगा जनता कितनी आई है, बहुत लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा। और रावण जल चुका है, ये देखिए आप, रावण जो था वो पूरा जल चुका है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और ये सदर बाज़ार का आज़ाद मार्केट है। और ये देखिए अभी तो कुछ बम बचे हुए हैं जो बीच बीच में फूट रहे हैं, इसी के लिए प्रशासन ने सबको पीछे कर रखा है, क्योंकि कोई भी बम किसी भी बच्चे के लग सकता है। ये देखिए पब्लिक बहुत आई हुई है, नैना है, उसकी मम्मा है, चांदनी है, नैना भी जय सिया राम बोल रही है दोस्तों। और आप भी कमेंट्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। और नैना बोल रही है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, चांदनी बोल रही है बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ बहुत पब्लिक आई हुई है। तो दोस्तों आप कमेंट्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब कर ले तुरंत प्रभाव से, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में दोस्तों। उसके बाद देखिए पब्लिक, अब जैसे ही रावण दहन हो चुका है तो पब्लिक धीरे धीरे जाने लग रही है। और अभी भी अनार यहाँ छुटाए जा रहे हैं दोस्तों, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। और धीरे धीरे पब्लिक सब यहाँ से जा रही है दोस्तों। और ये पीपल का पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है दोस्तों, ये इसी मंदिर के कोने पे है दोस्तों। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों पब्लिक कितनी आई हुई है, ये देखिए ये फिर से अनार चला दिया है दोस्तों। लोगों में बड़ी खुशी है, जय सिया राम के नारे लग रहे हैं, जय बजरंग बली के नारे लग रहे हैं, क्योंकि आज मंगलवार है तो जय बजरंग बली के बहुत नारे लग रहे हैं। क्योंकि ये पूरा युद्ध श्री रामचंद्र जी ने बजरंगबली की सहायता से ही विजय प्राप्त की थी इस युद्ध में, और ये बुराई पे अच्छाई की जीत थी दोस्तों। ये मुख्य अतिथि जा रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने रावण दहन किया था। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। और आप बताएँ आपको ये वीडियो कैसी लगी रावण दहन की दोस्तों। और नैना तेजू चांदनी भी हैं साथ में, ये देखिए चांदनी भी साथ में है, तेजू भी साथ में है।